खजनी थाना क्षेत्र के पिपरा गंगा गांव में तेज बाइक चलाने से मना करने पर शनिवार की रात बवाल हो गया। एक पक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर प्रधान के घर दावा बोल दिया और मारपीट कर प्रधान के ससुर लालू प्रसाद निषाद 59 वर्षीय को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मारपीट में प्रधान पति अमित निषाद 37 वर्षीय व भाई सुनील निषाद 20 वर्षीय का सिर फट गया। घटना के बाद से ही आरोपी अष्टभुजा सिंह, इंद्रजीत सिंह आदि घर छोड़कर फरार हो गए। गांव में जातीय संघर्ष की आशंका में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पिपरा गंगा की प्रधान वंदना के पति अमित कुमार निषाद के घर पर शुभचिंतकों को लिट्टी चोखा की दावत दी थी। रात 8 बजे के करीब इंद्रजीत सिंह का 25 वर्षीय बेटा अष्टभुजा सिंह बाइक से गुजर रहा था। उसके घर जाने का रास्ता अमित के घर के सामने से ही है। इस दौरान अमित के भाई सुनील ने बाइक धीरे चलाने को कहा। इसी बात को दोनों में कहा सुनी होगी और सुनील ने अष्टभुजा को थप्पड़ मार दिया। ये बात अष्टभुजा ने घर जाकर पिता को बताई। आरोप है कि इसके बाद ही हमलावर एकजुट होकर आए और हमला कर दिया। हमलावरों के आते ही दावत में आए लोग भाग गए। हमलावरों ने मारपीट कर सुनील, अमित, उनके पिता लालू प्रसाद और मां सावित्री को घायल कर दिया। मारपीट करने के बाद आरोपी फरार हो गए और सूचना पर आई पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल लाते समय लालू प्रसाद की रास्ते में ही मौत हो गई। इस संबंध में सीओ खजनी योगेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सीओ खजनी योगेंद्र नारायण पांडे ने कहा, ये खजनी थाना के अंतर्गत पिपरा गंगा एक गांव है, वहाँ पे बाइक को ले जाने के लिए संबंध में बाइक एक व्यक्ति से टकरा गई और दोनों के बीच विवाद हुआ, जो बृहद रूप होते हुए इतना मारपीट हुई कि उसमें एक व्यक्ति का देहांत हो गया, उसके अलावा 2-3 अन्य घायल रहे। इसमें समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है और बाकी के लिए धरपकड़ किया जा रहा है।